फाइनली मोदी जी ने फ्री फायर का पीछू वारे पे लात मार के इंडिया से निकाल दिया है, एंड अभी हम क्या ही कर सकते बोलो। बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, आपको पता नहीं है क्या? आपको क्या लगता है कि फ्री फायर के अलावा कोई गेम नहीं होता है? आप इस वीडियो को बस पूरा देख लो, आपको पता चल जाएगा फ्री फायर से कितना बेटर गेम है इस वर्ल्ड में नहीं, प्ले स्टोर में। एंड मैं भी अभी फ्री फायर छोड़ के इसी लिस्ट का एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया हूँ, वो कौन सा गेम है आपको आगे जाके पता चल जाएगा। आप भी जब इस सब गेम खेलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको फ्री फायर का याद भी नहीं आने वाला है। और हाँ, ये सभी गेम होने वाले ओपन वर्ल्ड और हाई ग्राफिक्स, इसके लिए आपका फोन क्रम 2GB तक होगा तो भी चलेगा। तो फिर चलो आज की टॉप 10 लिस्ट को स्टार्ट कर दिया जाए। तो नंबर 10 पे जो गेम आता है उसका नेम है फोर सेकेंड वर्ल्ड। इसके अंदर आपको बहुत ही बड़ा एक मैप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल जाएगा। इस गेम पे भी आपको फ्री फायर जैसे कैरेक्टर कस्टमाइज और चूज करने का ऑप्शन भी दिया गया है। एंड इसके ग्राफिक्स का बात करें तो भाई क्या ही बोले, इसका ग्राफिक्स आपको पीसी जैसा देखने को मिल जाएगा। इस गेम को आपको प्ले स्टोर के अंदर 801 ATMP के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप चाहते तो इस गेम को खेल सकते हो, एंड नहीं चाहते तो आगे देखो, इससे भी बढ़िया गेम है। तो गेम का नंबर 9 पे जो गेम आता है उसका नाम है मेड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। एक एडवेंचर ओपन वर्ल्ड गेम है। अगर आपको GTA जैसे गेम खेलना पसंद है तो आपको ये गेम तो काफी ज्यादा पसंद तो आने वाला है। ये बेसिकली GTA गेम का कॉपी है। इस गेम पे आपको 10 किलोमीटर ओपन वर्ल्ड मैप भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस गेम में आपको फ्री फायर जैसा मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिल जाएगा, जिधर आप 100 प्लेयर के साथ ऑनलाइन बैटल कर सकते हो। प्ले स्टोर में गेम का साइज 438 MB। और अगर आपको GTA गेम्स का क्लोन्स खेलना पसंद है तो इस गेम को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। वैसे तो पीसी का मोस्ट पॉपुलर गेम है एसिंस, और अगर आप इस गेम का मजा अपना एंड्रॉइड फोन से लेना चाहते हो तो आपके लिए भी एक गेम्स निकल के आता है, उस गेम का नाम है एसिंस क्रिट ब्लडलाइन। और हाँ, ये गेम आपको प्ले स्टोर में नहीं देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको PSP एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है इसके ऊपर हजारों वीडियो है। और अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो यूट्यूब पे इसका एक प्रॉपर वीडियो देखकर इस गेम को डाउनलोड कर लेना। मार्वल का मूवी देखना तो हम सबको पसंद है, अगर ऐसा होता कि मार्वल का भी कोई गेम होता तो कितना मजा आता है ना। तो मैं आपको बता दूं, फाइनली मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन को रिलीज कर दिया गया है, एंड ये मार्वल का एक ओपन वर्ल्ड गेम है। गेम आपको प्ले स्टोर में 1.6 GB में मिल जाएगा। गेम में आप पूरे सिटी को अपना फेवरेट सुपर हीरो के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। और गेम का ग्राफिक्स तो भाई क्या ही बोले, एकदम पीसी लेवल का ग्राफिक्स है। अगर आप मार्वल फैन हो तो इस गेम को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लिस्ट का नेक्स्ट गेम आता है बुली यूनिवर्सिटी एडिशन। इस गेम को रॉकस्टार ने बनाया, तो समझ सकते हो गेम कितना ज्यादा अच्छी होने वाला है। गेम में स्कूल लाइफ को दिखाया गया है जो बुली से भरा पड़ा है। गेम का मेन कैरेक्टर जिमी, जिसका हाल ही में उस स्कूल में एडमिशन हुआ है, और बुली से सर्वाइव करता है और खुद का एक गैंग बनाता है। गेम का स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है, और इस गेम में आपको एक ओपन वर्ल्ड गेम देखने को मिलता है। तो अगर आपको स्कूल लाइफ वाली गेम खेलना पसंद है तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। वैसे ये गेम आपको प्ले स्टोर में पेड मिलेगा, थर्ड पार्टी ऐप से इस गेम को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ज़ॉम्बी गेम्स तो हम सब ने खेल रखा है, लेकिन कैसा होगा अगर इन गेम्स पे भी ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिल जाए, मजा आएगा है ना। ऐसा ही एक गेम है जिसका नाम है लाइफ आफ्टर, एक ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है। ये गेम आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, इसे आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। गेम में आपको ज़ॉम्बी से सर्वाइव करना पड़ता है, साथ में आप इस गेम में ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। गेम में आपको सर्वाइव करने के लिए चीजें क्राफ्ट करना पड़ता है और लोगों को भी बसाना होता है। अगर आपको इस टाइप की गेम खेलने में इंटरेस्ट है तो आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। टोटल ओवरडोज एक पीसी का ओपन वर्ल्ड गेम है। अगर आप इस गेम का मजा भी अपना स्मार्टफोन से लेना चाहते हो तो आपको PPSS एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे ही इस गेम को आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड एक्शन गेम है। हालांकि ये गेम काफी पुराना है, पर भाई एक्शन कूट कूट के भरी है इस गेम में। इस गेम के एक्शन साउंड ट्रैक्स काफी कमाल की है। इस गेम को एंड्रॉइड पे कैसे चलाना है इसके ऊपर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। अगर आपको एक्शन गेम खेलना पसंद है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिस्ट का नंबर 3 पे जो गेम आता है इसका नेम है एविल लैंड ऑनलाइन। बेसिकली एक RPG ओपन वर्ल्ड गेम है। गेम का साइज 800 MB है। गेम का ग्राफिक्स भाई काफी अच्छा है, एकदम पीसी लेवल का ग्राफिक्स है। गेम में आपको अलग अलग टास्क करना पड़ता है, टास्क कंप्लीट करने के साथ साथ आपका लेवल अप भी होता जाएगा। एंड्रॉइड का बेस्ट हाई ग्राफिक गेम में से एक है।
आर्क सर्वाइवल इवॉल्व जो पीसी और कंसोल पे काफी हिट रहा, फाइनली इसे मोबाइल डिवाइस के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है और मैं भी अभी इस गेम को ही खेल रहा हूँ। यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए खुद का खाना, रहना और जंगली जानवर से बचने के लिए चीजें अरेंजमेंट करना पड़ता है। गेम का ग्राफिक काफी ज्यादा अच्छा है, बोले तो इसका पीसी वर्जन का सिमिलर है। गेम को काफी रियल लुक दिया गया है और इस गेम में आपको एक पूरा ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है जिसमें आप पूरा मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा सर्वाइवल ओपन वर्ल्ड गेम खेलना पसंद है तो आपको इस गेम को जरूर ट्राई करना चाहिए। और फाइनल लिस्ट का नंबर 1 पे जो गेम आता है इसका नाम है जिनशिन इम्पैक्ट। ये गेम आपको प्ले स्टोर पे तो मिल जाएगा पर भाई इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, और साइज बड़ा तो ग्राफिक बड़ा है ना। इसका साइज पूरा 9 GB है। इस गेम के अंदर आपको बहुत बड़ा मैप देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा। पूरा ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस आप इस गेम पे ले सकते हो, तो अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस है तो आप इस गेम को जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और भाई लोग वीडियो खत्म करने के पहले एक और बात, अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है, तो फिर सब्सक्राइब कर दो ना यार। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल गाइस।